मुस्कुराइए मत शिल्पी जी। कौन बाबर? कौन बाबर? कौन बाबर? अगर यही चुनाव के वक्त ये अच्छा मतलब बाबर का वोट चाहिए आपको? वही तो अब्बा जान है ये बाबर। प्लीज प्लीज, हर आदमी बाबर को जानता है। पहली बार किसी पार्टी की प्रवक्ता ने पूछ रही है कौन बाबर। खुदा का खौफ करिए, समाजवादी पार्टी अजान नहीं जानती है। चंद्रमोहन शर्मा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, सब कुछ लेके बैठे। शिल्पी जी प्लीज, मोहतरमा खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें मोहतरमा। एक मिनट, एक मिनट। भारत में पारसी अल्पसंख्यक है, इस पे कोई पार्टी बात कर रही है? तो मैडम आप कर लेते ना, क्या आपको सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने पहली बार ये बात की है कि पारसी अल्पसंख्यक है, ज्यूज अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है। पहली बार इस दुनिया में समाजवादी पार्टी ने बात की है और खजाना लुटा रही है। अभी तक जब से बनी थी आपके ऊपर समाजवादी पार्टी, आप समाजवादी पार्टी क्या कर रही थी? आप किसी पार्टी से हैं? आप किसी पार्टी से हैं? हम सारी पार्टियों की आइडियोलॉजी बता रहे हैं। नहीं नहीं, तो आप किसी की आइडियोलॉजी नहीं बताते। आप जिसकी आइडियोलॉजी बताते हैं सबको पता है। इन्होंने जिसकी आइडियोलॉजी बताते हैं वो सबको पता है। आप जिसकी आइडियोलॉजी बन रहे हैं सबको पता है। उधर जाने के लिए टैक्स में आपके आइडियोलॉजी आ गई ना, हिंदू धर्म बन गए, लैपटॉप बन रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर धर्म को लैपटॉप बन रहे हैं। झूठ बोलना आपसे कोई सीखे मिश्रा जी? अरे आपकी पार्टी, आपकी पार्टी ने कब जैन की बात की? एक उदाहरण, एक उदाहरण आप बताइए कि आपकी पार्टी ने पारसी की बात की है? एक एक उदाहरण बता दीजिए जैन की बात की है? एक उदाहरण आप बता दीजिए की पॉलिसी क्या है? आप लेके आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पारसी ढूंढ के लाइए। स्टेट की पॉलिसी इसीलिए तो है, ऑलरेडी सारा खजाना उन्हीं को लुटा दिया जी। उन्हीं के स्कूल, उन्हीं को हिंदू मुसलमान करवाने की भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट पे अगर आप टीवी चैनल उतर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अभी तो आप ही बोल रही है कि हमने इतने लोगों को टिकट दिया, तुम ही इतने लोगों को टिकट, हमने नहीं बोला। इतने लोगों को टिकट दिया क्या देख के दिया था? नाम देख के दिया था क्या? देख के दिया सबको देंगे। आपने क्या देख के दिया? हमने मौर्य को भी दिया, हमने अग्रवाल को भी दिया, हमने गर्ग को भी दिया। आपने किसको दिया ये बताता है अल्पसंख्यक कौन है? हमने शुक्ला को भी दिया, हमने अल्पसंख्यकों को भी दिया। आपके परिभाषा के हिसाब से जो अल्पसंख्यक है आपने उन्हीं को टिकट दिया? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। शिल्पी जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, खजाना उन्हीं से लुटाया। एके मिश्रा जी वही करता है। एके मिश्रा जी, समाजवादी पार्टी के हिसाब से, एके मिश्रा जी, ऑलरेडी घोषित है। समाजवादी पार्टी के हिसाब से अरविंद घोषित है। कौन है अरविंद मिश्रा? भाजपाई सारे लोग जानते हैं। एक डिबेट में दो लोगों को आपको अगर भाजपा से बैठाना है तो हमारे जवाब होते नहीं है सकते। शिल्पी जी, एक जवाब होते नहीं है। फालतू की बातों पे हम क्यों जवाब देंगे भाई? 10 तारीख के बाद तो, 10 तारीख के बाद तो वैसे ही जवाब नहीं है आपके पास। एक है मिश्रा जी, एक मिनट। शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, शिल्पी जी, मुंह तोड़ जवाब देंगे। शिल्पी जी, शिल्पी, 10 तारीख तक था, 10 नहीं है, 10 तारीख तक था। शिल्पी जी, शिल्पी जी, एक मिनट। समाजवादी के लोग शांत हो गए। सिर्फ शिल्पी जी को फ्रेम पे लाइए एके मिश्रा के साथ। मुझे एक बात बताइए, ये सवाल मेरा आपसे भी है, चंद्रमोहन शर्मा जी से भी है। बाबर ने वोट दिया, बाबर ने मिठाई बांटी और बाबर की हत्या हो गई। समझ रहे शिल्पी जी? बाबर की हत्या हो गई। अखिलेश यादव ने इस विषय को लेकर क्या कहा? ना ना, मुस्कुराइए मत शिल्पी जी। कौन बाबर? कौन बाबर? कौन बाबर?
अगर यही चुनाव के वक्त ये अच्छा मतलब बाबर का वोट चाहिए आपको, वही तो अब्बा जान है, ये बाबर का वोट चाहिए और आप कह रहे हैं कि कौन बाबर? अरे वो अब्बा जान है, बाबर को भी नहीं जान रही है क्या? आप बाबर को भी नहीं जानते आप? आपको अब मुझे एक बात बताइए, अगर यही ना मुझे एक बात बताइए शिल्पी जी, यही ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों नहीं हो रहा बाबर के यहाँ? क्यों नहीं हो रहा पॉलिटिकल टूरिज्म? कहां गए वो अखिलेश यादव और कहां गए वो प्रियंका गांधी? क्यों वो इंसान नहीं था जिसकी हत्या कर दी गई, पीट पीट कर मार दिया? कौन था वो? क्यों नहीं जा रहे उस बाबर के घर में आप लोग? क्यों नहीं हो रहा पॉलिटिकल टूरिज्म? हम नहीं करते हैं तो हम नहीं जाएंगे। अच्छा चुनाव खत्म हो गए, चुनाव खत्म हो गए इसलिए शिल्पी जी जो मरवाने वाले बैठे हुए हैं उनको पता होगा। आप इनको एक है मिश्रा जी, एक सेकंड, 200 साल पहले वाला बाबर की कल वाला बाबर ये भी बता दीजिए इनको। नहीं भाई मरवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल पता होगा। एक मिश्रा जी, एक सेकंड एक मिश्रा जी, शिल्पी जी आप मुझे इतना बड़ा ज्ञान दे रही थी अभी, आप बताइए ना क्यों नहीं जा रहे आप उसके यहाँ? क्या वो इंसान नहीं था? नहीं पता, क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा होता? क्यों चुनाव खत्म हो गए? या वो बीजेपी का सपोर्टर था? क्या वो बीजेपी का सपोर्टर था? कितने खुश हो रहे हैं प्यारे जो हैं, 10 तारीख के बाद शिल्पी जी को इतिहास भी नहीं। चलिए इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। ए के मिश्रा प्लीज, हर आदमी बाबर को जानता है। पहली बार किसी पार्टी की प्रवक्ता ने पूछ रही है कौन बाबर, बाबर को भूल गए। एक मिनट इतिहास को भूल गए शिल्पी जी, प्लीज एक मिनट इतिहास भूल गए शिल्पी जी, प्लीज एक मिनट इतिहास भूल गए। ना एक सेकंड, एक मृतक देखिए इन्होंने बाबर में भी भेद कर दिया, एक के लिए दो दो बाबर है, शिल्पी मैम के लिए दो दो बाबर। एक सेकंड, एक बाबर और बाबरी मस्जिद इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम सरयू में जो खून बहा, चावला जी से पूछा कि कौन बाबर? हाँ तो सरयू में जो खून बहा ना मैडम, जो सरयू में खून बहा था वो आपको बता देगा करने बैठे हैं। वो खून का कतरा कतरा बता देगा आपको। चावला जी की मजबूरी हो रही है प्रोपेगेंडा। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मुझे किसी से इनाम नहीं चाहिए शिल्पी जी, मुझे किसी से इनाम नहीं चाहिए और ना आपका इनाम चाहिए ना अच्छाई जी का। हकीकत दिखाता हूँ तो आप डर जाते हैं। किस बाबर की आप बात कर रहे हैं? आपको नहीं मालूम किस बाबर की बात कर रहा हूँ, किसकी हत्या हुई है? आशीष सर, मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप अपनी बात रख रहे हैं, आप ये महत्वपूर्ण बिंदु है कानूनी नजरिए से। ए के मिश्रा आपका पॉइंट, फिर मैं शाही जी आपके पास आ रहा हूँ। ए के मिश्रा आपका पॉइंट रह गया, प्लीज जल्दी। क्या मैं आपको बताऊं जी, अल्पसंख्यक की जो परिभाषा है, अभी हमारे मित्र जो पेशे से वकील है बहुत अच्छा उन्होंने बताया, टर्म्स तो दिया है लेकिन डिफाइन कैसे किए जाए इसके पैरामीटर नहीं दिए हैं। अब इस लूप होल का फायदा पार्टियां जब आती हैं सत्ता में तो अपने हिसाब से उठाती हैं, वो किसी एक को फोकस कर देंगी और उसमें वो अपने आप को मास्क करके देखिए जी हम अल्पसंख्यक की रक्षा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक आयोग का हवाला देते हुए बजट वगैरह सब चीज उधर ही मूव करना शुरू कर देती है। मैं ये समझता हूँ कि अल्पसंख्यक जो टर्म है वो अपने आप में डिफाइन करता है कि अल्पसंख्यक कौन है और कौन होना चाहिए, इसमें तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज उठा लीजिए, आप स्टेट वाइज जियोग्राफिकल पैरामीटर जो हो, जियो टोपोग्राफिकल जो पैरामीटर यूनिट आपको लेना है ले लीजिए, मिनिमम स्टेट लेवल होना चाहिए और सेंसस करवा लीजिए। और जो वर्ल्ड है अल्पसंख्यक अपने आप डिफाइन करता है कि कौन कम है वहां पे, जो सबसे कम है वहां से शुरू करते हुए एक लेवल तक जाके रोक दीजिए। ये नहीं कि आप 20% है, 20% हो गया मतलब कि आप ये देखिए कि लगभग 1/5 हो गया, तो नहीं, नहीं, मैं... वो तो सफिशियंट है संख्या में। अल्पसंख्यक का मतलब 1%, 2%, 5% जो होते हैं वो माना अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यक कौन है मैं वही तो कह रहा हूँ, 1%, 2%, 3%, 4% या 20%, ये तो परिभाषित करना पड़ेगा ना। मैं बता रहा हूं, अगर देखिए जहां कोई क्लियर कट डिफिनीशन नहीं होती है, पैरामीटर लॉ में नहीं होता है, वहां अपना जो है विवेक और नेचुरल लॉ का मतलब विवेक होता है। संविधान निर्माताओं के पास कोई विवेक नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप, संविधान निर्माताओं के पास कोई विवेक नहीं था? उन्होंने कभी सोचा था कि अल्पसंख्यक आयोग बन जाएगा अल्पसंख्यक मजहब के आधार पर? स्व विवेक या नेचुरल लॉ का यूज किया जाता है, उस वक्त उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, प्रायोरिटी कुछ और रही होगी। अच्छा जब बात चल रहा, मतलब संविधान बनाने वाले ने इस बात का ध्यान ही रखा होगा। 5% आप मांग सर अल्पसंख्यक का जिक्र नहीं है संविधान में, जिनकी पॉपुलेशन है वो अल्पसंख्यक है, इसके ऊपर उनको अल्पसंख्यक रखने की जरूरत नहीं है। ओके मोहन शर्मा, मैं देता हूँ जवाब, देता हूँ। ये तिलक भाई ये क्या है, दिख रहा है मेरा ये लिखा हुआ?
आप इसे 9 भी समझ सकते हैं और 6 भी समझ सकते हैं सर, 6 नहीं आप घुमा देंगे तो 9 बन जाएगा और ये हम 9 हो जाएगा जी। सवाल बिल्कुल छोटा है, जिन तथ्यों के आधार पर मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू की बात आप कर रहे हैं मैं उसी पर आऊंगा, लेकिन एके मिश्रा अपनी बात रखना चाह रहे हैं, एके मिश्रा जल्दी से अपनी बात रखिए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए लोग इतने माहिर होते हैं पॉलिटिक्स में, डिबेट में भी, देखिए कैसे 6 को 9 बना दिया, 9 को 6 बना दिया, टोपी पहनाना इसी को बोलते हैं, जब जरूरत पड़ी तब ये 6 बना देते हैं, 6 को 9, 9 को 6, 3 को भी ये 6 बना देंगे, 2 2 5 बना देंगे। अरे पंडित जी अभी आपको मेरी बहन ने जवाब दिया था, मुझसे मत सुनो यार, एक सिद्धांत मुझसे मत सुनो, है तो वो 6 है, वो अकेली दे दिया है, यानी कि झांसी ने आपको जवाब दिया था, मुझसे मत सुनो, इतनी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आप, विशेषज्ञ प्रत्यस्त्र है, 6 को 9, 9 को 6 मर्यादित रहे, 6 को 9, 9 को 6 जब चाहा तब बना दिया। अरे आप चांदनी शिल्पी जी का जवाब दे दीजिए, वो बहुत है बस, वो मेरी एक बहन आपके सामने अड़ी है, मैं पूछूं सवाल है जवाब है, शिल्पी जी को तो ये नहीं पता बाबर कौन है, तब उसे क्या बात करें बताइए, इसी कारण समाजवादी पार्टी हार गई, इनको कुछ पता ही नहीं रहता है क्या है इतिहास, क्या है समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती ना, कुछ नहीं पता, अरे तौबा 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 मैडम क्या बोल रही है आप, अरे खुदा का खौफ करिए, हमारा नहीं तो खुदा का खौफ करिए, चंद्रमोहन शर्मा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, सब कुछ लेके बैठे, शिल्पी जी प्लीज, मोहतरमा खुदा का खौफ करें, एक मिनट शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, शिल्पी जी प्लीज, एक मिश्रा जी प्लीज, चंद्रमोहन शर्मा जी, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, मानसिक रूप से भी पीड़ित हैं, एक सेकंड।